स्वागत है आपके अपने चैनल के टू फैंटासी स्पोर्ट्स में। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड, डेट 6 अक्टूबर 2023, टाइम दोपहर के 2 बजे, मैच नंबर 2। मैच वेन्यू की बात करें तो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद इंडिया में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करें, यह एक सपाट सतह है और गेंदबाज यहां गेंदबाजी करना पसंद नहीं करेंगे। बल्लेबाज लाइन पार करने के लिए गति और उछाल पर भरोसा कर सकते हैं। इसके अलावा आउटफील्ड सुपर फास्ट है, जिससे गेंदबाज के लिए हालात बदतर हो गए हैं। उम्मीद है कि दुधिया रोशनी में दूसरी पारी के दौरान बल्लेबाजी और भी आसान हो जाएगी। वेदर रिपोर्ट की बात करें, भारत के हैदराबाद में मौसम धुंध भरा है। मैच के दिन तापमान 69% आर्द्रता और 9.9 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की गति के साथ 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है और विजिबिलिटी 5 किलोमीटर है। खेल के दौरान वर्षा होने की 52% संभावना है। फाइनल टीम की अपडेट आपको टेलीग्राम की चैनल पर मिलेगा। टॉस एंड प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम स्कोर रिकॉर्ड की बात करें तो टोटल मैच 7 खेला गया। बैटिंग फर्स्ट वाले 4 मैच जीते हैं और बॉलिंग फर्स्ट वाले 3 मैच जीते हैं। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 288 है, सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर 262 है। हाईएस्ट टोटल 350 है 4 विकेट के नुकसान पर, लोएस्ट टोटल 174 है 10 विकेट के नुकसान पर। हाईएस्ट चेस्ट वाइज 252 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि लोएस्ट डिफेंडेड है 290 7 विकेट के नुकसान पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंजरी की बात करें तो इसका अभी तक कोई चोट अपडेट नहीं है। नीदरलैंड क्रिकेट टीम इंजरी की बात करें तो इसका भी अभी तक कोई चोट अपडेट नहीं है। पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन की बात करें तो हाल के मैचों में पाकिस्तान की फॉर्म काफ़ी अच्छी है, संभवतः यह मैच जीतेंगे। पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड हेड टू हेड की बात करें तो पाकिस्तान 6 मैच जीते हैं जबकि नीदरलैंड 0 मैच जीते हैं। पाकिस्तान टीम की बात करें तो लगातार 4 लॉस और आखिरी में 1 वन। फकर जवान करेंट फॉर्म की बात करें तो 24 बॉल पर 22 रन की पारी खेले थे। अगला मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे, फिर अगला मैच में 11 बॉल पर 4 रन की पारी खेले, फिर 50 बॉल पर 27 रन की पारी खेले और आखिरी में 31 बॉल पर 20 रन की पारी खेले थे। ओडीआई फॉर्म की बात करें तो पहला मैच में 11 बॉल पर 4 रन की पारी खेले, 50 बॉल पर 27 रन की पारी खेले, 31 बॉल पर 20 रन की पारी खेले, अगला मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे और आखिरी मैच में 20 बॉल पर 14 रन की पारी खेले थे। बैटिंग इनिंग्स की बात करें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए इनिंग्स आप खुद ही देख लीजिएगा, स्क्रीन पर है। इमाम उल हक की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म है 11 बॉल पर 16 रन की पारी खेले थे, 10 बॉल पर 1 रन की पारी खेले, 18 बॉल पर 9 रन की पारी खेले, 84 बॉल पर 78 रन की पारी खेले थे और आखिरी मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे। और यही फॉर्म की बात करें तो 18 बॉल पर 9 रन की पारी खेले थे, 84 बॉल पर 78 रन की पारी खेले, अगला मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे, फिर 14 बॉल पर 5 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 30 बॉल पर 13 रन की पारी खेले थे। बाबर आजम की बात करें तो यह टीम का कैप्टन है। इसका करेंट फॉर्म की बात करें तो 59 बॉल पर 90 रन की पारी खेले, 84 बॉल पर 80 रन की पारी खेले, 35 बॉल पर 29 रन की पारी खेले, 24 बॉल पर 10 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 22 बॉल पर 17 रन की पारी खेले थे। ओडीआई फॉर्म की बात करें तो 35 बॉल पर 29 रन की पारी खेले, 24 बॉल पर 10 रन की पारी खेले, 22 बॉल पर 17 रन की पारी खेले, अगला मैच में फिर बैटिंग का चांस नहीं आए थे और आखिरी मैच में 131 बॉल पर 151 रन की पारी खेले थे। मोहम्मद रिजवान की बात करें तो यह विकेट कीपर है। इसका करेंट फॉर्म की बात करें 94 बॉल पर 103 रन की पारी खेले, 73 बॉल पर 86 रन की पारी खेले, अगला मैच में 5 बॉल पर 2 रन की पारी खेले, फिर 79 बॉल पर 63 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे। और यही फॉर्म की बात करें तो 73 बॉल पर 86 रन की पारी खेले, 5 बॉल पर 2 रन की पारी खेले, 79 बॉल पर 63 रन की पारी खेले, अगला मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे और आखिरी मैच में 50 बॉल पर 84 रन की पारी खेले थे। साउथ शकील की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म है 53 बॉल पर 75 रन की पारी खेले थे, 6 बॉल पर 9 रन की पारी खेले थे, 110 बॉल पर 57 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 399 बॉल पर 238 रन की पारी खेले थे। और यही फॉर्म की बात करें तो 6 बॉल पर 9 रन की पारी खेले, अगला मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे, फिर 8 बॉल पर 3 रन की पारी खेले, फिर 3 बॉल पर 3 रन की पारी खेले थे और आखिरी मैच में 77 बॉल पर 56 रन की पारी खेले थे। इफ्तिकार अहमद की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म है 85 बॉल पर 83 रन की पारी खेले, 3 बॉल पर 7 रन की पारी खेले, 40 बॉल पर 47 रन की पारी खेले, 35 बॉल पर 23 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में
बैटिंग का चांस नहीं आए थे। यह लगातार दो मैच में या बॉलिंग नहीं किया, अगला मैच में 50 रन देकर 3 विकेट निकाले, 52 रन देकर विकेट लेस रहे थे और आखिरी मैच में 20 रन देकर 1 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। और यही फॉर्म की बात करें तो 40 बॉल पर 47 रन की पारी खेले, 35 बॉल पर 23 रन की पारी खेले, अगला दो मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे और आखिरी मैच में 71 बॉल पर 109 रन की पारी खेले थे, 50 रन देकर 3 विकेट निकाले थे, 52 रन देकर विकेट लेस रहे, 20 रन देकर 1 विकेट निकाले थे और आखिरी दो मैच में या बॉलिंग नहीं किए थे। बैटिंग इनिंग्स और बॉलिंग इनिंग्स दोनों स्क्रीन पर दिया है, आप खुद ही देख लीजिएगा। अगर इसके बारे में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। शादाब खान की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म है, 8 बॉल पर 9 रन की पारी खेले थे, 11 बॉल पर 16 रन की पारी खेले, 3 बॉल पर 3 रन की पारी खेले, 10 बॉल पर 6 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे। ये अपने टीम के लिए बॉलिंग किए थे जो 69 रन देकर 1 विकेट निकाले, अगला मैच में बॉलिंग नहीं किया, फिर 55 रन देकर 1 विकेट निकाले, 71 रन देकर 1 विकेट निकाले थे और आखिरी मैच में 35 रन देकर विकेट लेस रहे थे। और यही फॉर्म की बात करें तो 3 बॉल पर 3 रन की पारी खेले थे, 10 बॉल पर 6 रन की पारी खेले, अगला दो मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे और आखिरी मैच में 2 बॉल पर 4 रन की पारी खेले थे। या 55 रन देकर 1 विकेट निकाले, 71 रन देकर 1 विकेट निकाले, 35 रन देकर विकेट लेस रहे, 57 रन देकर विकेट लेस रहे थे और आखिरी मैच में 27 रन देकर 4 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। मोहम्मद नवाज की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म है, 42 बॉल पर 50 रन की पारी खेले थे, अगला मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे, फिर 12 बॉल पर 12 रन की पारी खेले और आखिरी दो मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे। या 34 रन देकर 1 विकेट निकाले, अगला मैच में 55 रन देकर विकेट लेस रहे, 26 रन देकर विकेट लेस रहे थे और फिर 55 रन देकर विकेट लेस रहे और आखिरी मैच में 13 रन देकर 1 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। ओडीआई फॉर्म की बात करें तो 12 बॉल पर 12 रन की पारी खेले, अगला दो मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे, फिर अगला मैच में 25 बॉल पर 30 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 9 बॉल पर 11 रन की पारी खेले थे। या अपने टीम के लिए बॉलिंग किए थे जिसमें 26 रन देकर विकेट लेस रहे थे, फिर अगला मैच में 55 रन देकर विकेट लेस रहे, फिर 13 रन देकर 1 विकेट निकाले, 45 रन देकर 2 विकेट निकाले थे और आखिरी मैच में 26 रन देकर विकेट लेस रहे थे। उसामा मीर की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म है, 31 रन देकर 2 विकेट निकाले थे, 68 रन देकर 2 विकेट निकाले, 61 रन देकर 1 विकेट निकाले, फिर अगला मैच में 18 रन देकर विकेट लेस रहे थे और आखिरी मैच में 45 रन देकर या विकेट लेस रहे थे। ओडीआई फॉर्म की बात करें तो 61 रन देकर 1 विकेट निकाले, 18 रन देकर विकेट लेस रहे थे, 53 रन देकर 2 विकेट निकाले, फिर 43 रन देकर 4 विकेट निकाले थे और आखिरी मैच में 66 रन देकर विकेट लेस रहे थे। हरीश राव की बात करें, 97 रन देकर 1 विकेट निकाले, 36 रन देकर विकेट लेस रहे थे, 27 रन देकर विकेट लेस रहे, 19 रन देकर 4 विकेट निकाले और आखिरी में 58 रन देकर 3 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। ओडीआई फॉर्म की बात करें तो 27 रन देकर विकेट लेस रहे थे, 19 रन देकर 4 विकेट निकाले, 58 रन देकर 3 विकेट निकाले थे, 16 रन देकर 2 विकेट निकाले और आखिरी मैच में 48 रन देकर विकेट लेस रहे थे। शाहीन अफरीदी की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म है, 25 रन देकर विकेट लेस रहे थे, अगला मैच में या बॉलिंग नहीं किए थे, फिर 52 रन देकर 2 विकेट निकाले, 79 रन देकर 1 विकेट निकाले थे और आखिरी मैच में 42 रन देकर 1 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। और यही फॉर्म की बात करें तो 52 रन देकर 2 विकेट निकाले, 79 रन देकर 1 विकेट निकाले थे, 42 रन देकर 1 विकेट निकाले, 35 रन देकर 4 विकेट निकाले थे और आखिरी मैच में 27 रन देकर 2 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। बैच प्लेयर की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक है, मोहम्मद हरीस है विकेट कीपर, हसन अली है, मोहम्मद वसीम है, अब्रार अहमद है, जमन खान है, आगा सलमान है। नीदरलैंड टीम की बात करें तो पहले लॉस, फिर डबल विन, फिर लॉस और आखिरी में एक विन। विक्रमजीत सिंह की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म है, 14 बॉल पर 9 रन की पारी खेले थे, फिर 14 बॉल पर 13 रन की पारी खेले, 49 बॉल पर 40 रन की पारी खेले थे, 109 बॉल पर 110 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 2 बॉल पर 0 रन की पारी खेले थे। पहला मैच में जब बॉलिंग नहीं किया था, अगला मैच में 12 रन देकर 2 विकेट निकाले, 18 रन देकर विकेट लेस रहे थे, 16 रन देकर विकेट लेस रहे हैं और आखिरी मैच में जब बॉलिंग नहीं किए थे। ओडीआई फॉर्म की बात करें तो 14 बॉल पर 13 रन की पारी खेले, 49 बॉल पर 40 रन की पारी खेले, 109 बॉल पर 110 रन की पारी खेले, 2 बॉल पर 0 रन की पारी खेले थे और आखिरी मैच में 32 बॉल पर 37 रन की पारी खेले थे। या 12 रन देकर 2 विकेट निकाले, 18 रन देकर विकेट लेस रहे थे, 16 रन देकर विकेट लेस रहे, अगला मैच में जब बॉलिंग नहीं किए थे और आखिरी मैच में 11 रन देकर या विकेट लेस रहे थे। मैक्स ओडॉट की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म है, 1 बॉल पर 0 रन की पारी खेले थे, 6 बॉल पर 7 रन की पारी खेले, 63 बॉल पर 33 रन की पारी खेले, 34 बॉल पर 20 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 64 बॉल पर 35 रन की पारी खेले थे। ओडीआई फॉर्म की बात करें तो 63 बॉल पर 33 रन की पारी खेले,
34 बॉल पर 20 रन की पारी खेले, 64 बॉल पर 35 रन की पारी खेले, एक बॉल पर 0 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 36 बॉल पर 36 रन की पारी खेले थे। वैसले बरेसी की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म, एक बॉल पर 0 रन की पारी खेले थे, 6 बॉल पर 0 रन की पारी खेले, 18 बॉल पर 11 रन की पारी खेले, 65 बॉल पर 97 रन की पारी खेले थे और आखिरी मैच में 50 बॉल पर 52 रन की पारी खेले थे। ओडीआई फॉर्म की बात करें तो 6 बॉल पर 0 रन की पारी खेले, 18 बॉल पर 11 रन की पारी खेले, 65 बॉल पर 97 रन की पारी खेले, 50 बॉल पर 52 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 34 बॉल पर 27 रन की पारी खेले थे। बस डे लिडे की बात करें, इसका करेंट फॉर्म है, एक बॉल पर 0 रन की पारी खेले थे, अगला मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे, फिर अगला मैच में 138 बॉल पर 103 रन की पारी खेले थे, 26 बॉल पर 18 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे, 25 रन देकर 2 विकेट निकाले थे, 68 रन देकर 3 विकेट निकाले, 89 रन देकर 3 विकेट निकाले थे, 52 रन देकर विकेट लेस रहे थे और आखिरी मैच में 70 रन देकर 2 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। ओडीआई फॉर्म की बात करें तो 92 बॉल पर 123 रन की पारी खेले, 19 बॉल पर 39 रन की पारी खेले, 53 बॉल पर 41 रन की पारी खेले, 47 बॉल पर 33 रन की पारी खेले थे और आखिरी मैच में 39 बॉल पर 41 रन की पारी खेले थे। 52 रन देकर या 5 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए, फिर 47 रन देकर विकेट लेस रहे थे, 42 रन देकर 3 विकेट निकाले, 72 रन देकर 2 विकेट निकाले और आखिरी मैच में 31 रन देकर 2 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। कॉलिन अक्रमन की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म है, 37 बॉल पर 31 रन की पारी खेले थे, 16 बॉल पर 6 रन की पारी खेले, 223 बॉल पर 158 रन की पारी खेले, 212 बॉल पर 126 रन की पारी खेले और आखिरी में 21 बॉल पर 8 रन की पारी खेले थे। पहला मैच में जब बॉलिंग नहीं किए थे, अगला मैच में 56 रन देकर 1 विकेट निकाले, 16 रन देकर विकेट लेस रहे थे, फिर अगला मैच में 26 रन देकर 1 विकेट निकाले और आखिरी मैच में जब बॉलिंग नहीं किए थे। ओडीआई फॉर्म की बात करें तो 55 बॉल पर 37 रन की पारी खेले, 36 बॉल पर 28 रन की पारी खेले, 72 बॉल पर 50 रन की पारी खेले, 96 बॉल पर 81 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 12 बॉल पर 5 रन की पारी खेले थे। जब 40 रन देकर विकेट लेस रहे थे, 51 रन देकर 2 विकेट निकाले, 45 रन देकर विकेट लेस रहे थे, 20 रन देकर विकेट लेस रहे हैं और आखिरी मैच में 33 रन देकर 1 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। साई ब्रांड एंजल ब्रैक की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म है, 13 बॉल पर 9 रन की पारी खेले थे, 203 बॉल पर 166 रन की पारी खेले, 44 बॉल पर 34 रन की पारी खेले, 74 बॉल पर 76 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 33 बॉल पर 15 रन की पारी खेले थे। पहला मैच में जब बॉलिंग नहीं किए थे, अगला मैच में 11 रन देकर 1 विकेट निकाले, फिर अगला मैच में जब बॉलिंग नहीं किए थे, फिर 37 रन देकर 1 विकेट निकाले और आखिरी मैच में 0 बॉल पर 0 विकेट निकाले थे। इसका ओडीआई फॉर्म है ही नहीं, अगर आपको मिले तो देख लीजिएगा। स्कॉट एडवर्ड्स की बात करें तो यह टीम का कैप्टन है, साथ ही विकेट कीपर भी है। इसका करेंट फॉर्म है, 10 बॉल पर 14 रन की पारी खेले थे, 3 बॉल पर 1 रन की पारी खेले, 23 बॉल पर 25 रन की पारी खेले, 7 बॉल पर 4 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 68 बॉल पर 67 रन की पारी खेले थे। ओडीआई फॉर्म की बात करें तो 3 बॉल पर 1 रन की पारी खेले, 23 बॉल पर 25 रन की पारी खेले, 7 बॉल पर 4 रन की पारी खेले, 68 बॉल पर 67 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 47 बॉल पर 67 रन की पारी खेले थे। लोगन वन बिक की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म है, 35 रन देकर 2 विकेट निकाले थे, 74 रन देकर विकेट लेस रहे थे, 88 रन देकर 8 विकेट निकाले, 62 रन देकर 2 विकेट निकाले थे और आखिरी मैच में 34 रन देकर 2 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। ओडीआई फॉर्म की बात करें तो 40 रन देकर 2 विकेट निकाले, 49 रन देकर 1 विकेट निकाले, 55 रन देकर विकेट लेस रहे थे, 26 रन देकर 3 विकेट निकाले और आखिरी मैच में 77 रन देकर 1 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। रियान क्लैन की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म है, जब पहला मैच में बॉलिंग नहीं किए थे, अगला मैच में 42 रन देकर 2 विकेट निकाले, 59 रन देकर 2 विकेट निकाले, 34 रन देकर 2 विकेट निकाले और आखिरी मैच में 38 रन देकर 1 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। ओडीआई फॉर्म की बात करें तो 42 रन देकर 2 विकेट निकाले, 59 रन देकर 2 विकेट निकाले, 34 रन देकर 2 विकेट निकाले, 38 रन देकर 1 विकेट निकाले थे और आखिरी मैच में 25 रन देकर विकेट लेस रहे थे। पॉल वैन मेकरन की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म है, 36 रन देकर विकेट लेस रहे थे, 41 रन देकर विकेट लेस रहे, 47 रन देकर 2 विकेट निकाले, 81 रन देकर 2 विकेट निकाले और आखिरी मैच में 31 रन देकर 2 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। ओडीआई फॉर्म की बात करें, 79 रन देकर 2 विकेट निकाले, 26 रन देकर विकेट लेस रहे थे, 42 रन देकर विकेट लेस रहे, 66 रन देकर 2 विकेट निकाले थे और आखिरी मैच में 50 रन देकर 2 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। रोई लॉफ वैंडर मैरवे की बात करें तो इसका करेंट फॉर्म है, पहला मैच में
बैटिंग का चांस नहीं आया था, अगला मैच में एक बॉल पर एक रन की पारी खेले, नौ बॉल पर 20 रन की पारी खेले, फिर अगला मैच में बैटिंग का चांस नहीं आया था और आखिरी मैच में 11 बॉल पर 11 रन की पारी खेले थे, या 12 रन देकर दो विकेट निकाले, 16 रन देकर विकेट ले रहे थे, फिर अगला मैच में जब बॉलिंग नहीं किए थे, फिर 20 रन देकर विकेट ले रहे हैं और आखिरी मैच में 40 रन देकर तीन विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। ओडीआई फॉर्म की बात करें तो पहला मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे, अगला मैच में 54 बॉल पर 57 रन की पारी खेले, फिर अगला मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे, फिर 7 बॉल पर 10 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे, या 27 रन देकर एक विकेट निकाले थे, फिर अगला मैच में 40 रन देकर विकेट ले रहे हैं, फिर 57 रन देकर एक विकेट निकाले, फिर 27 रन देकर एक विकेट निकाले थे और आखिरी मैच में 47 रन देकर दो विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। बैच प्लेयर की बात करें तो तेजा निदा मानडू है, नोआ क्रॉस विकेट कीपर, आर्यन दत्त है, सरीज अहमद है, काइल क्लैन है, सकीब जुल्फिकर्ड है। फाइनल टीम की अपडेट आपको टेलीग्राम की चैनल पर मिलेगा टॉस एंड प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप तक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। प्लेयर की बात करें तो विकेट कीपर से मोहम्मद रिजवान को रखें, बैट्समैन से बाबर आजम को रखें, मैक्स ओडॉट को रखें और इमाम उल हक को रखें। ऑलराउंडर से बजडे लिडे को रखें, सदब खान को रखें, कॉलिन अक्रमन को रखें और इफ्तिकर अहमद को रखें। बॉलिंग से साइन अफरीदी को रखें, हरीश राव को रखें और लोगन वैन बिक को रखे हैं। कैप्टन की बात करें तो कैप्टन बाबर आजम है और वॉइस कैप्टन साहिन अफरीदी है। टीम प्रीव्यू की बात करें तो कैप्टन बाबर आजम है और वॉइस कैप्टन साहिन अफरीदी है। ये फाइनल टीम नहीं है दोस्तों, फाइनल टीम आफ्टर टॉस के बाद दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है।